नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर प्रजापति, मोटिवेशन स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे मोटिवेशन चैनल शिखर प्रजापति पर। दोस्तों आज है शहीद दिवस। हर साल महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। कद था उनका छोटा सा पर सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे पर फिर भी चलते थे सीना दान के। दोस्तों वो ग्रेट पर्सनालिटी महात्मा गांधी की जन्मभूमि हमारा भारत देश ही है, जिन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम, भारत का डंका बजा दिया और भारत को पहचान दिला दी। दोस्तों आज शत शत नमन है हमारे पूज्य महात्मा गांधी को। दोस्तों अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो हमारे ग्रेटेस्ट आइकन, ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी महात्मा गांधी जी की लाइफ से हम लोग ये बात सीख सकते हैं कि अगर आपको जिंदगी में जीतना है, अगर आपको जिंदगी में सीखना है, अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो एक विजन होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में। लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास पर्पस विजन होता नहीं। अगर ये विजन और पर्पस आपको पता चल गया, आपकी लाइफ का विजन क्या है, पर्पस क्या है, भगवान ने आपको इस दुनिया में क्यों भेजा है, जिस दिन आपको रियलाइजेशन हो गया कि आप क्यों आए हो इस दुनिया में और उसके बाद आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कुछ सालों पहले की बात है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में ट्रेन की यात्रा पर थे। उनके पास टिकट थी लेकिन उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क था और वहां पर दूसरे जितने भी यात्री थे उन सभी का कॉम्प्लेक्शन व्हाइट था, फेयर था, वो गोरे थे। इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी को बोला कि आप इस ट्रेन में ट्रेवलिंग नहीं कर सकते। महात्मा गांधी ने बोला कि मेरे पास टिकट है। उन्होंने बोला नहीं, आप यहां से निकल जाइए और उनको धक्के मार के ट्रेन से निकाल दिया। महात्मा गांधी उस समय तक एक लॉयर की लाइफ जी रहे थे, एक वकील के पेशे पर अपना काम कर रहे थे। उस समय तक उनका विजन उनको क्लियर नहीं हुआ था, उनका पर्पस डिफाइन नहीं हुआ था, उनको पता नहीं था उस समय तक कि उनका लाइफ का पर्पस क्या है। लेकिन जिस दिन साउथ अफ्रीका वालों ने उनको ट्रेन से बाहर किया, उस दिन उन्होंने सोच लिया कि ये डिस्क्रिमिनेशन, ये गोरे और काले का भेद मुझे मिटाना ही होगा। और उस दिन उन्होंने एक विजन प्राप्त कर लिया, एक पर्पस प्राप्त कर लिया कि अब मैं फाइट करूंगा। और आज तुम लोगों ने, तुम अंग्रेजों ने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, आने वाले टाइम में मैं और मेरा पूरा भारत और मेरे पूरे भारतवासी तुम सबको हमारे देश से बाहर निकालेंगे। दोस्तों वो फ्रॉम डिटर्मिनेशन मिल गया था, वो विजन मिल गया था, वो पर्पस मिल गया था महात्मा गांधी को कि ये काले और गोरों का भेद मैं मिटाकर ही रहूंगा। और उस दिन के बाद उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा भी आया कि कुछ सालों बाद महात्मा गांधी ने और हमारे देशवासियों ने और हमारे ग्रेटेस्ट पेट्रियोटिक पर्सनैलिटीज ने, देशभक्तों ने उन अंग्रेजों को बाहर निकाला अपने देश से। फ्रेंड्स क्लियर हो गया था मिशन, क्लियर हो गया था विजन, क्लियर हो गया था पर्पस। लाइफ में आगे बढ़ना है तो फ्रेंड्स ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी महात्मा गांधी से बात हम सीख सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों आए हो इस दुनिया में। जब आपने पहचान लिया कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपको करना क्या है, और अगर उस पर्पस में लोगों का वेलफेयर भी जोड़ लिया, लोगों की भलाई भी जोड़ ली और आप अपने पर्पस में काम भी करते गए और लोगों की भलाई भी करते गए, वेलफेयर भी करते गए, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो शहीद दिवस पर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, साथ ही शेयर करें, हमारे इस मोटिवेशनल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे इसी तरीके मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो लगातार 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 मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।